सो हाई एवरी वन, आई एम शाइन अनीफ और हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी थॉट्स क्या है जो आपके माइंड में. वैसे तो यहाँ पे आपके नेम के लेटर में शो करूँगी, तब भी आपसे एनर्जी मैच होती है तो ये आप ही के लिए रीडिंग है. लेकिन याद रखिएगा, ये वीडियो तभी देखने का, ये रीडिंग आपको तभी देखना है जब आप इसके गाइडेंस को फॉलो करोगे, वरना अभी इसी वक्त छोड़ के चले जाओ. क्योंकि मुझे पता है आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो और इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ओवर एंग्जाइटी में रहते हो और उसकी वजह से रीडिंग के अंदर आने वाली चीज़ें आपके तक पहुंचती नहीं है. मैं चाहती हूँ आपका रियूनियन हो और इसी चीज़ को फॉलो करते करते आप अपने सोल पर्पस तक पहुंचो. अरे आप मेरे से ज्वाइंट हो, पता है बहुत लोगों को ग्रो करोगे, बहुत लोगों की ज़िंदगी बदलोगे. ठीक है, सो देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है. ओके तो यहाँ पे शो हो रहे हैं वो आपके पार्टनर के नेम के फर्स्ट लेटर हैं. ओके ओके, साथ में इनकी बर्थ डेट भी यहाँ पे शो हो रही है और ईयर भी. जो मैच नहीं होती है तो कोई बात नहीं, एनर्जी मैच कर लीजिएगा, वरना वो भी मैच नहीं होती है तो कोई बात नहीं, सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करके फिर चले जाना. ओके गाइज, चलो हम स्टार्ट करते हैं आपका रीडिंग. सो ओके गाइज, हम स्टार्ट करते हैं आपका रीडिंग और देखते हैं आपकी अभी की करंट एनर्जी क्या है. ओके सो देखते हैं क्या आ रहा है. अभी की नॉर्मल लाइफ हम पहले देखेंगे, क्या चल रहा है आपके माइंड में, क्या है आपकी रियल लाइफ में. क्या कुछ प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने का इरादा है, घर वगैरह खरीदने का इरादा है, क्या घर भर देख के आए हो, खुद के लिए बुक करने का इरादा है, रेंट पे कोई और घर देख रहे हो, या पीजी में शिफ्ट होने के चेंज करने का इरादा है. ठीक है, कमेंट में आके मुझे ज़रूर बताना. ठीक है, बहुत परेशान हो इस बात से, आई नो अपने आप को बहुत ही शांत रखने की कोशिश करते हो. ये सबके साथ कनेक्ट नहीं होगी, जिसके साथ कनेक्ट होगी मुझे ज़रूर मैसेज करना, यहाँ पे कमेंट करना. ठीक है, एंड हाँ, और लड़का लड़की दोनों के लिए रीडिंग है. ओके बस मैं लड़की हूँ इसलिए आसानी होती है, और मैं आपकी लाइफ के बारे में जानूँ तो देखो आपके साथ होता ये है. ओके सो लास्ट वीक से अभी तक आपने ये सोचना स्टार्ट किया होगा कि किसी की नज़र लग गई है या ब्लैक मैजिक कर दिया है और काला दौरा आपने पैर में या हाथ में बांध दिया हो, या फिर नज़र के लिए नज़र उतारी हो, इस टाइप की एनर्जी होगी. और ये एनर्जी है ना, देखो ऐसा नहीं है सभी के साथ, ज़्यादातर लोगों के साथ ये चीज़ें होती है, लेकिन पिछले एक वीक के अंदर आपके साथ ज़्यादा हो रहा है, पहले से ज़्यादा. पहले आप इस चीज़ों पे यकीन नहीं रखते कि नहीं नहीं कुछ नहीं, ये सब ठीक है, इतना ज़्यादा माइंड में आता भी नहीं होगा, लेकिन काफ़ी एक वीक से आपको थोड़ा सा डाउट ज़्यादा हो रहा है और उसके चक्कर में आपने हाथ में काला दौरा या फिर पैर में काला दौरा पहना होगा, या तो फिर आपने मॉम के आगे नज़र उतारी होगी, ये सब चीज़ें की होगी. ठीक है, या तो फिर आप स्टोन पहना होगा किसी ने, या फिर क्रिस्टल इस्तेमाल, स्टोन और क्रिस्टल, देखो स्टोन आपने जो प्लानिटरी के लिए पहनते हम ओ ठीक है, बट आप उसके लिए एडवाइस ली होगी, पहना तो नहीं हो सकता है, बहुत ही कम लोगों के साथ ही एनर्जी मैच होगी, लेकिन आपने प्रिडिक्शन लिया होगा और उन्होंने आपको एडवाइस दिया होगा, या तो फिर क्रिस्टल आपने कुछ खरीदा होगा उसको आपने पहन के रखा होगा, इस टाइप की एनर्जी होगी. ठीक है, और आपके साथ नॉर्मली मैं बोलूँ पिछली बातों को मैं याद करती हूँ, 3 से 4 महीने से कंटिन्यू 3 महीने को पकड़ के रखो आप, तो अच्छा था, इतना बुरा आपका प्रोफेशनल नहीं था. आपके पास जॉब नहीं भी थी तब भी आप ऐसे समझ लीजिए कि दिन तो अच्छे थे प्रोफेशनली, बट पिछले एक वीक के अंदर, या समझ लो कि ये 15 दिन, लास्ट 15 दिन आप समझ लो, पिछले 15 दिन आपका बहुत ही अप्स एंड डाउन है. मतलब आपका बिज़नेस चलता था, बिज़नेस एग्जांपल देती हूँ, तो बिज़नेस चल रहा था तो आपका 100 रुपया रोज का इनकम होगा तो आपके पास 10 रुपया आ रहा है, और वो भी बहुत सारे टोटके करने के बाद, नज़र उतारने के बाद, तब जाके आपके बिज़नेस में आते होंगे. आपके साथ बिज़नेस में भी प्रॉब्लम्स हो रहा है और आप मतलब होप रखे जा रहे हो, होप है इस तरह से होता है. सेकंड आपकी जॉब की मैं बात करूं तो जॉब के अंदर भी आपका कितना ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है, जितना काम दिया जाता है इससे बर्डन ज़्यादा हो रहा है, लेकिन सही ढंग का काम आप कर नहीं पाते हो, आपको बस ऐसा लग रहा है जैसे कि नज़र से लग गई है. ठीक है, ये तो नॉर्मली आपके मूड की बात बोली है, अभी मैं आपकी एनर्जी पिक करूँगी, अभी तक एनर्जी बाकी है. आपके साथ अक्सर ये चीज़ें होती है, ये एनर्जी भी है इसके अंदर, आपके साथ अक्सर ये चीज़ें होती है. समझो कि आपने आज आपने कुछ स्कूटर लिया, ठीक है, आपने एक्टिवा लिया या फिर जुपिटर लिया, वट एवर, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बट आपने लिया, आप जैसे ही आपने सेलिब्रेशंस किया ना, तो आपका दूसरे दिन ऐसे लगता है जैसे कि सब कुछ ख़त्म. आपको अक्सर ये चीज़ें होती हुई, आपके माइंड में ऐसा होता है कि मैं जब भी सेलिब्रेट करती हूँ या करता हूँ तो जिसकी वजह से वो चीज़ें से
ख़त्म सी हो जाती है, जैसे नज़र सी लग जाती है, आपको जैसे लगता है कि सब चीज़ें बंद सी हो गई है आपके साथ, ऐसी चीज़ें होती है। ठीक है, जॉब छोड़ने के मोड़ पे हो ना, आपने डिसाइड कर लिया है, ठीक है, थक चुके हो ना इस चीज़ों से। पता है आपको, आज की जो एनर्जी है ना, सिर्फ और सिर्फ पैसा 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 पैसा, यही चीज़ें आ रही है। मुझे लगता है आपके साथ बहुत परेशानी है पैसों की वजह से, दिक्कतें हो रही है, और बहुत प्रयास कर लिया आपने, बहुत ट्राई कर लिया, बट पॉसिबल अभी तक तो नहीं हुआ कि आप वो लेवल तक पहुंच जाओ। वैसे तो इंसान है हम, हमारे अंदर लालच तो आती है, बट यहाँ पे आपने बहुत कोशिशें कर रहे हैं। जैसे कि इंस्टाग्राम अकाउंट है, फेसबुक है, तो आपने बहुत ट्राई कर लिया उसको फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, उसके अंदर व्यूवर्स लाने के लिए, हर चीज़ आजमा ली कि मेरा बिज़नेस आपका स्टार्ट हो, कल चलो ऑनलाइन से ही वर्क स्टार्ट करें, तो GST का प्रॉब्लम आ गया। ये आपके साथ प्रॉब्लम्स आ रही है। ठीक है, देखो गाइस, मैं जस्ट एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि इंडिया से हूँ तो इंडिया के थोड़े रूल्स पता है, तो इसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, वैसे तो हर हर कंट्री के अंदर मेरा वीडियो जाता ही है, तो उधर के रूल्स अलग होते हैं, बट यहाँ पे है ना, हर चीज़ ट्राई कर ली, मेहनत करने के बाद भी आपको कुछ मिल नहीं रहा। पता है, यू नो व्हाट, मैंने आपके जितने भी कार्ड्स मैंने यहाँ पे निकाले, वो सारे कार्ड्स बस पैसों पैसा पैसा के लिए ही बता रहे हैं। बहुत प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ में, लव लाइफ शायद आपने अभी अभी ये डिसाइड किया होगा कि ये लव लाइफ ओके है, परेशान तो हो इसलिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, लेकिन आपको काम दिया जाए, आप बिजी हो जाता है जाते हो, तो शायद वो चीज़ें आपको याद तक नहीं आती। बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, बहुत ज़्यादा। अभी ये भी एक ट्विस्ट है, आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, बट किस चीज़ की एंजाइटी होती है, आपको काम को लेके। आज मेरे पास पैसा है, कल मेरे पास पैसा नहीं होगा, मुझे ये समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, किस तरह से बैलेंस करूँ। आप शायद घर के अंदर अकेले होंगे जो पैसे देने की पैसे देते होंगे, तो फिर घर पूरा आपके ऊपर डिपेंड है, तो लोग होंगे तब भी आप पे ज़्यादा बर्डन है। ठीक है, तो ये लव लाइफ का रीडिंग करती हूँ तब भी यहाँ पे आप सॉलिडनेस की तरफ हो, इनकी याद आती है, इनकी तरफ जाते हुए दिखाई देते हो, लेकिन यहाँ पे काम ज़्यादा है, यहाँ पे अपने प्रोफेशनल वर्ल्ड में ज़्यादा आप इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हो। आपकी यही करंट एनर्जी, मैं लव लाइफ की भी चेक करूँगी, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आप सॉलिड तरीके से ही आगे बढ़ो, यहाँ पे यही प्रॉब्लम्स आ रही है, आप सॉलिडनेस की तरफ जा रहे हो। प्रॉब्लम ये हो रही है आपकी लाइफ है, क्योंकि पैसों की तंगी आ रही है आपको। ठीक है, तो ये है आपकी नॉर्मल रूटीन की लाइफ की एनर्जी है, बट तब भी मैं लव लाइफ के बारे में ज़रूर चेक करना चाहूँगी, जिससे आप हमें पता चले कि हो क्या रहा है आपकी नॉर्मल लाइफ के अंदर, लव लाइफ में। आपके पास ऑप्शन है, अभी एक एग्जांपल दूँ मैं आपको, जब भी आप किसी के सामने जाते हो ना, पहले आपकी आदत ऐसी थी कि आप सभी के साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट करें, सबके साथ मैच हो तो ऐसे ज़रूरी नहीं, क्योंकि जनरल रीडिंग है, आप सबके साथ फ्लर्ट मारना स्टार्ट किए, जैसे कि समझो कि चलो ठीक है, हमने अच्छे से बातचीत कर, हमें पता है कि हमारा काम बन जाएगा। आपका पहले नेचर था, थोड़ा सा फ्लर्ट ही था नेचर का, और ऐसा भी नहीं था किसी को नुकसान पहुँचाना, लेकिन अभी आपको ये सब चीज़ों से ख़त्म हो चुकी हो। शायद एज अ गर्ल मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, तो शायद मैं किसी से बात करूँगी तो बोलूँगी भाई आप कैसे हो, या आप लड़के हो तो लड़के के हिसाब से क्या बोलोगे, हाय सिस्टर तुम कैसे, अरे हाँ ठीक है ओके, अपने काम से मतलब लिया और चलती पकड़ा। शायद आपको किसी का औरा पसंद नहीं आ रहा लव लाइफ के अंदर, और ऐसा भी नहीं है कि आप इनसे प्यार नहीं करते, लेकिन अभी आपको ऐसा है, ये जो एनर्जी मुझे मिल रही है, तो इसके हिसाब से, अभी के हिसाब से आपके साथ दिल में ऐसा हो रहा है कि ये आएंगे ओके, ये आई लव यू बोलेंगे ओके, बट मैं इनसे बात क्या करूँगा, क्योंकि वो जो रिलेशनशिप में मैनिपुलेट वाली एनर्जी थी ना, उसकी वजह से जैसे कि आपने कुछ बोला तो उससे भी फाइट हो गई, आपने कुछ बोला तो उससे भी फाइट, दूसरा कुछ बोला तो उससे भी फाइट हो गई, तो आप उस चीज़ से कंफ्यूज हो रहे हो कि ये चीज़ों को हैंडल किया जाए कैसे, मैं ये बोलूँगी तो ये चीज़ें प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं ये बोलूँगा तो ये चीज़ें प्रॉब्लम में आ जाएगी। ये चीज़ें अक्सर आपके साथ होती है, जिसकी वजह से ये रिश्ता, आप प्यार है शायद ही आएंगे और जाएंगे, तो शायद आपको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा, हाँ थोड़ा सा एक दो दिन लगेगा, फिर स्टेबल हो जाओगे, आपकी एनर्जी अभी सॉलिडनेस की तरफ जा रही है, यहाँ पे ये हो रहा है।
ये एक स्ट्रांगली एक स्ट्रांग और बेस्ट बेस्ट डीएम वाली एनर्जी होती है, जो हाई लेवल की डीएम की एनर्जी होती है, वो आप लेवल पे जाओगे। क्योंकि जब तक ये आएंगे ना, तब तक आप डीएम की एनर्जी में ऑलमोस्ट स्ट्रांग बन चुके होंगे, और साथ में आपकी फेमिनिन एनर्जी भी है, यानी आपका यिन एंड यांग का बैलेंस हो चुका होगा। यानी आपका ऐसा इसका मतलब ये है कि आप लोगों का परमानेंट यूनियन, कोई साइकिल ख़त्म हो रहा है, इसीलिए आप अपने ग्रो की तरफ जा रहे हो, आप अपनी तरफ से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। शायद ये अभी आते हैं जाते हैं फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको ये पता चल गया है कि सोलमेट है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन या कार्मिक कनेक्शन। बस आपको ये भी, आपके पास आसपास बहुत सारे रिश्ते होने के बाद भी आपको पता है कि ये मेरा पार्टनर आ चुका है, कोई और नहीं है, आपका दिल कहीं लगता भी नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, देखो ऐसा ही इसलिए नहीं बोल रही कि आप इस रीडिंग को देख रहे हो, आपकी एनर्जी ऐसी, आपके पास बहुत ऑप्शन है, अच्छे अच्छे लोग के ऑप्शन है। ठीक है, बट वो चार्मिंग फेस उनकी तरफ से ही होता है, वो तो खैर ठीक है, हम जिसे प्यार करते हैं तो उसका समय ही चार्मिंग होते हैं हम, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी है, तो यहाँ पे सभी को आप बस ठीक है, ओके, काम पद के अपने काम से मतलब रख रहे हो, इस टाइप की एनर्जी है। दिल से पूरी तरह से डिपेंड होते हुए दिखाई दे रहे हो, वो भी किसकी तरफ, अपने काम की तरफ, ना कि इनकी तरफ। रोना आता है, थोड़ा सा डाउन होते हो, बट आप अपने आप को ऐसे ट्विस्ट कर देते हो कि जैसे कि पूरी एनर्जी ही पूरी चेंज हो जाती है। ठीक है, तभी हम ये देखते हैं इनकी करंट एनर्जी क्या है और ये चाहता क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताएं, हम ये भी देखेंगे कि यूनिवर्स ये सब चीज़ें करवा क्यों रही है। पहले तो आपकी ऐसी एनर्जी नहीं थी, मैंने आपकी बहुत सारे रीडिंग की है, और ये एनर्जी बहुत पुराने लोगों की है। ऐसा नहीं है कि आपके रियूनियन हुआ भी है ना, तब भी आप मेरे रीडिंग देख रहे हो, ऐसा नहीं है। ये बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे के कंटिन्यू रीडिंग मेरा देखते हैं, ये एनर्जी चेंज हुई है आपकी, और ये क्यों हुई है, कौन से टास्क के, हम वो भी देखेंगे, क्यों आपकी एनर्जी में ट्विस्ट आ रहा है। ठीक है, क्योंकि मैं रेगुलर आप लोगों की एनर्जी लेती हूँ मुझे पता है आप लोगों की सोच, आप लोगों की बातें, क्योंकि कोई भी टैरो कार्ड रीडर, कोई ऐसे नहीं से एनर्जी मैच, हम आप जिसकी तरफ देखो, दुनिया में बहुत सारे, वर्ल्ड में बहुत सारे हैं जो टैरो कार्ड रीडर है, लेकिन मेरा वीडियो ही आपके सामने आता है, क्यों, मेरा रीडिंग ही आपके सामने आता है। ठीक है, तो ये आप पढ़ते हो, आप सुनते हो मेरी बातें, आपको समझ में आती है, मेरे डांट भी आप सुनते हो। बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज करते हैं, यहाँ पे जो मेरा नंबर शो हो रहा है ना, वही मेरा नंबर है, और कोई भी जगह से आप मुझसे कनेक्ट नहीं कर सकते, यही नंबर से कनेक्ट कर सकते, डायरेक्ट व्हाट्सएप करना, कॉल मत करिएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं कि दी ऐसा लगता है कि जैसे कि मेरे लिए ही एनर्जी, आप लोग मुझे सजेशन के लिए आप व्हाट्सएप पे भी बोल सकते हो कि दी आप मुझे ऐसे रीडिंग क्यों नहीं करती हो, आप कर सजेशन दोगे मैं ज़रूर। लास्ट टाइम मैंने इंस्टाग्राम पे और यहाँ पे भी फेसबुक एंड यूट्यूब पे भी मैंने ये किया हुआ है कि कौन सा रीडिंग हमें करना है, तो बहुत सारे लोगों ने एक ही सजेशन दिया था कि प्लीज़ करंट एनर्जी वाला आप रीडिंग करें, तो देखो मैं आपके लिए रीडिंग भी लेके आए। ठीक है, तो आप उसे वहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग होते हैं, बट आपके सामने ही ये रीडिंग आई है, और आपकी एनर्जी क्यों चेंज हुई है, फर्स्ट मेन टॉपिक पे हम आ जाते हैं। तो ये क्यों चेंज हुई है हम वो भी देखते हैं, ओके, क्योंकि ऐसे तो आप पहले कभी नहीं थे। ठीक है, क्या सॉलिडनेस की तरफ जा रहा है, क्या ज़िंदगी में ग्रो है, सब कुछ देखते हैं। चलो हम आपका रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो ओके गाइज, हम स्टार्ट करते हैं कैंडल्स रीडिंग और साथ में टैरोट, ओके, इससे कंफर्म करेंगे कि आपके पार्टनर की एनर्जी और ये क्यों आपकी एनर्जी चेंज हुई है। ओके, देखो गाइस, यहाँ पे जो चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि आपको याद नहीं करते। पहला सवाल ये है कि क्या वो आपको याद करते हैं, तो हाँ बिल्कुल करते। अभी मैं नॉर्मली बोलती हूँ तो क्या वो आपको याद करते हैं, हाँ ये बिल्कुल करते हैं। ओके, अभी एक्चुअली प्रॉब्लम ये होता है कि देखो यूनिवर्स तो चाहती है रिश्ता आगे बढ़े, ठीक है, बट प्रॉब्लम ये है कि इस कैंडल्स के हिसाब से, ये नॉर्मल मैं बोलती हूँ, जिसकी इसकी एनर्जी जो है इसके अंदर बहुत ही डार्कनेस है। ठीक है, इतना गाइडेंस देखते हो, मेरे रीडिंग्स देखते हो, तब भी आप कहीं ना कहीं कन्फ्यूज हो जाते हो। छोटी मोटी बात तो आप बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगते हो, जैसे कि किसी और के साथ आपने थर्ड पार्टी है, जबकि आपको पता है कि वो उनसे ज़्यादा मुझसे ही प्यार करते हैं। ठीक है, आपको पता है, आपके दिल में ऐसा है कि हाँ वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, तब भी आपको पता है कि ये बंदा वापस पलट के भी आएगा या बंदी वापस पलट के भी आएगी, लड़का लड़की दोनों के लिए रीडिंग, लेकिन तब भी आपको डर लगता है।
ठीक है, कभी ऐसे रीडिंग देख ली कि थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा झुकाव है, तो उसकी वजह से ये एनर्जी कहीं ना कहीं डार्कनेस की तरफ चली जाती है, और इसकी वजह से आप लोगों का रियूनियन है ना फाइट में बदल जाता है। और इसकी वजह से होता ये है कि इतना मिस करने के बाद भी आपको जो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ, तो क्या आप इंसान को जाके आप जाके बोलोगे कि हाय तुम कैसे हो? अभी लास्ट टाइम आप लोगों का जो फाइट हुआ था उसकी वजह से आज भी वो अपने माइंड में, क्योंकि आपने भी वो फाइट कहाँ भुलाई है मुझे बताओ, कमेंट में आके जरा मुझे बताना कि आपने वो फाइट भुला दी नहीं ना, आपको अभी भी रिग्रेट, अभी भी गुस्सा आता है अपने आप इन पे, सॉरी इन पे गुस्सा आता है कि ये चीज़ें इन्होंने की क्यों, वो चीज़ें छोड़ नहीं पाते हो। इसीलिए आपका 3 to 4 month होने के बाद मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आप ये मुझे बोलते हो कि प्लीज़ दी, मैं बहुत वक्त से मैं बहुत लोगों की रीडिंग देखती हूँ लेकिन रियूनियन नहीं पॉसिबल होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप पिछली बातों को छोड़ते नहीं हो। आपको एग्जाम्पल दूँ कि जब हमारे हाथ में खाली होगा हमारा हाथ, ठीक है, जब हमारा हाथ खाली होगा तो ही तो हमारी यूनिवर्स हमें कुछ देगी ना। जब आप पिछली बातों को और यादों को इतना भूल ही नहीं पाते हो, तो आप भले ही सॉलिडनेस की तरफ जा रहे हो, यही इसीलिए एनर्जी चेंज हुई है क्योंकि आप पिछली बातों को भूलो जिससे आपका न्यू स्टार्ट हो। जब तक आप वो चीज़ें नहीं भूलोगे तब तक आप आगे बढ़ोगे कैसे, जब तक हाथ खाली होंगे कैसे आपके, इसलिए आपकी एनर्जी चेंज हुई है जिससे आप बातों को भूल जाओ, आपकी मेमोरी लॉस भी हुआ है। ठीक है, अभी मैं कार्ड से देखती हूँ। कितना अजीब बात है ना, दोनों ही बहुत खूबसूरत कार्ड, बट नेगेटिविटी है, ये नहीं सही है। रेगुलरिटी, एक बात आपकी माइनस पॉइंट पता है क्या है, इतने रीडिंग देखते हो, मैं आपको गाइडेंस देती हूँ, आप ये चीज़ कर लो, आप वो चीज़ कर लो, लेकिन आप क्या करते हो, बोलते हैं ना जब तक रीडिंग देखते हो तब तक ठीक है, 2 hours तक बोलेंगे हम कर लेंगे, हम सेल्फ लव कर लेंगे, फिर आप जैसे थे वैसे हो जाते, यहीं पे मैंने, इसीलिए नेगेटिव ऑरा क्रिएट कर रहा है आपका, ये रियली में आपका नेगेटिव ऑरा है। आपका स्किन थोड़ा सा डल भी लगता होगा आपको, ऐसा मतलब झाइया आ गई, झाइया आ गई थोड़े से, आप मतलब एक परत ऐसी ब्लैकनेस की जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा ब्लैकनेस वाली एनर्जी लगे। सॉल्ट बाथ लिया करो, अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, ओके, सो और हम देखते हैं, और देखते हैं कि और क्या एनर्जी आ रही है। गाइज, मैं इस एनर्जी को लाइट रीडिंग के साथ कनेक्ट करूँगी और साथ ही में कार्ड्स भी आपके सामने ही सफल करके देखना चाहती हूँ। ठीक है, ये कार्ड्स को भी मैं ले लेती हूँ। ठीक है, और मैं देखती हूँ इनकी एनर्जी। ओके गाइज, ये बात करना चाहते हैं लेकिन पिछली बातों को ही आपके सामने दोहराएंगे, बट वो फाइट के मोड में ना चले जाए, उस चीज़ का ध्यान रखना। ये सच में इनकी एनर्जी ऐसी है कि आपके साथ बात करे और आपसे आपके साथ क्लियर कम्युनिकेट करे। अभी क्लियर कम्युनिकेट का मतलब ये कि फ्लर्टी के नेचर के साथ ये आपके साथ आना चाहते, मस्ती मजाक के मूड के साथ। अभी हम ये देखते हैं कि क्या ये चीज़ें आती है कार्ड में। मस्ती मजाक के मूड के अंदर पिछली बातों को याद करने की ही कोशिश करेंगे, यहाँ पे यही आ रहा है, पिछली बातों को याद करने की ही कोशिश करेंगे लेकिन मस्ती मजाक के मूड के साथ। हो सकता है आप लोग रेस्टोरेंट एंड बाहर घूमने फिरने जा सकते हो और खाना पीना खा सकते हो, इवन ये काम की बातें अपने अंदर डीएम वाली एनर्जी हाई लेवल की होगी, वो तो मैनिपुलेट बंदी है या बंदा है, उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, वैसे भी आपको वैसे ही लोग पसंद है, आपकी पसंद है, सिंपल सी बात है, यूनिवर्स ने आपकी दिल की ख्वाहिश सुनी है। अभी मैं नॉर्मली मैं बात करूँ यहाँ पे, तो इस एनर्जी के हिसाब से मैं देखूँ यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। अब ये थर्ड पार्टी पेरेंट्स भी है यहाँ पे, देखो लड़का लड़की की बात ही नहीं करी, यहाँ पे थर्ड पार्टी सॉलिड तरीके से फैमिली इन्वॉल्व है, इसलिए क्योंकि फैमिली चाहती है कि कुछ ऐसा, फैमिली का दबाव इनकी तरफ बहुत ज़्यादा है क्योंकि चाहती है फैमिली। अभी फैमिली जब देखो, पहले जब आपके साथ थे ना तो ये फैमिली इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थी, ठीक है, बट फैमिली अभी इनके ऊपर प्रेशर कर रही है शादी का, उनकी लाइफ के बारे में आगे सोचने का, इसी की वजह से ये चीज़ें कहीं ना कहीं सॉलिडनेस की तरफ जाएगी। देखो पास्ट की बातें भूल जाओ, नई ज़िंदगी स्टार्ट करो, नई आपको अभी ये देखा है कि हमें बचपन की इतनी ज़्यादा याद तो नहीं होती है, ठीक है, क्यों याद नहीं होती, क्योंकि हम लोगों को रेगुलर एक्सपीरियंस मिल रहा है। अभी जो ये चीज़ हर बार हमें यूनिवर्स, जो बचपन की चीज़ें हमें ख़त्म होती है तो ही हम आगे बढ़ते, धीरे 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 धीरे, शायद बहुत कम चीज़ें ही याद होती है, बहुत ज़्यादा कोई
बचपन की चीज़ें याद नहीं रहती। तो हम बचपन की चीज़ें क्यों याद नहीं रहती, क्योंकि हम एक्सपीरियंस बढ़ता है। क्लासेस हमारी स्कूल के क्लास क्यों अलग अलग स्टेज में जाते, क्योंकि हम पहली चीज़ें भले ही एक्सपीरियंस, हमें एग्ज़ाम इसलिए लिए जाती है, तो वहाँ से एग्ज़ाम ख़त्म करके हम दूसरे क्लास में जाते हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ें आपने सीखी है, ठीक है, आप वो नेगेटिव चीज़ों पर कन्वर्ट कर रहे हो, आप उसमें से सीखने का नाम नहीं ले रहे हो, बट उसको क्या कर रहे हो, गलत वे में, आपके साथ गलत हुआ, मेरे को तकलीफ हुई, मुझे ये प्रॉब्लम हुआ, मेरे साथ उस बंदे ने सीखा, पर उसमें से क्या सीखने मिला आपको, वो तो सोचो, क्या सीखा आपने उसके अंदर से, क्या मिला आपको इसके अंदर से, वो तो सीखो। कोई बंदा आपको ऐसे ने से नहीं मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही है यूनिवर्स, आपने इसलिए एनर्जी चेंज की है क्योंकि आप सॉलिडनेस की तरफ भागोगे तो वो चीज़ों ख़त्म हो जाएगी, आपकी मेमोरी ख़त्म होगी, जिसकी वजह से आपको सॉलिड तरीके से आगे बढ़ोगे। जस्ट देखो, देखते हैं सॉलिडनेस कितनी है आपके अंदर आएगी। देखिए लाइट रीडिंग से गाइस, एक बात मैं आपको बोलूँ, सॉलिडनेस इतनी ज़्यादा भी तो नहीं आई है, बट हाँ आई है। अभी मैं इस कार्ड को कनेक्ट करती हूँ, एक मिनट। बिल्कुल, आप आगे बढ़े हो, आप आगे बढ़ भी रहे हो, ग्रो भी हो रहा है और नया स्टार्टिंग भी है बहुत। देखो यहाँ पे जो कार्ड है, ठीक है, और कार्ड से कनेक्ट में करती हूँ, तो आपके अंदर जो नॉलेज है वो छुपा है, ठीक है। आप कुंडली चेक क्यों नहीं कराते हो, अपनी अपने बर्थ चार्ट क्यों नहीं चेक कराते हो, इसमें आपका नेम फ्रेम ज़रूर होगा, और किस वे में नेम फ्रेम है आपको वो चेक कंफर्म करने की ज़रूरत है। आप चाहो तो वैसे मुझसे भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, ऐसे स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, वैसे ये बात हटाते हैं, लेकिन हाँ आपकी कुंडली में नेम फेम वगैरह लिखा, लेकिन कौन से वे में आपको आगे बढ़ना है वो ज़रूरी है, ठीक है। ये जब हमारी ज़िंदगी में डीएम ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन क्यों आते हैं, क्योंकि हम लोग घिसी पिटी ज़िंदगी ही जीते हैं, हम वही दुखी चीज़ें चलती आती है, वो वैसे ही लोग आते हैं जो हम सोचते हैं। तो डीएम आगे हमारे साथ क्या करते हैं, हमें वो ट्रांसफॉर्म करते हैं, हमारी ज़िंदगी को बदलते हैं, ठीक है, हमें हमें ट्रिगर करते हैं। तो ये ट्रिगर है यहाँ पे, ये ट्रिगर हो रहे हो आप, तो ट्रिगर ट्रिगर हो रहे हो, बट आप इसमें से सीखने का नाम नहीं लेते। लेकिन डेस्टिनी तो है ना, ऊपर कोई तो ताकत है, ऊपर कोई नहीं, ऊपर हमसे बड़ी ताकत बैठी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है, तो आप सॉलिड, बहुत ज़्यादा तो सॉलिड नहीं हो, लेकिन सॉलिडनेस की तरफ ज़रूर गए, तो ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है, जस्ट वाव एनर्जी है। तो ये इनकी एनर्जी आपकी तरफ आने की तो है। अभी कभी कभी क्या होता है, मैं आपको क्लियरली बोलूँ, कभी कभी हम अपने ही दुश्मन बन जाते हैं, तो ये बंदा आपकी तरफ आना चाहता है, आपके सामने मैं बोलूँ तो क्या ये आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, या क्या वो आपको प्यार करते हैं या याद करते हैं, या ये थर्ड पार्टी से निकलने की कोशिश करेंगे, क्या है, ठीक है। तो एक्चुअली मैं आपको क्लियरली बोलूँ तो यहाँ पे ये डीएम की एनर्जी है, ये आपको याद करते, ये आपको अभी क्लियरिटी नहीं देंगे, वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, ठीक है, ये आपको एक अटैचमेंट फील करते हैं, ठीक है। तो जब भी आपसे ये कनेक्ट होते हैं तो अटैचमेंट फील करते हैं, तो वो उस अटैचमेंट को प्यार तक लेके जाने के लिए आपको अपनी ज़िंदगी में ग्रो करना ज़रूरी है, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको ग्रो के लिए ही बनाया है, नेम फेम के लिए, भले आप कोई भी एज में हो, ज़िंदगी में जब जब चीज़ें लिखी है तब तब ही मिलती है। आपका नेम फेम का वक्त आ गया, अभी आप एडवोकेट हो, डॉक्टर हो, नॉर्मल लेवल के हो, या फिर आप कोई भी फील्ड से हो, सेल्स एंड मैनेजर में हो, या फिर कोई भी, तो आपका पोस्ट चेंज करना है, जॉब चेंज करना है, तो समझो आप अपने ही कंपनी में बहुत छोटे से लेवल पे हो, बट आपकी डेस्टिनी में ग्रो करवाने की बात है, तो आप क्या करोगे, आप इस लड़का या लड़की से तंग आके बोलोगे नहीं अभी मुझे जॉब चेंज करनी, तो आप कोई ना कोई एक्शन लोगे चिढ़ के, गुस्से से, ये सब चीज़ें, ये ही आपका लाइफ पार्टनर है, ठीक है। बहुत सारे लोग अपने ही लाइफ पार्टनर से डील करें, लेकिन तब क्योंकि ये भी एक अच्छे स्टेट लेवल पे है, तो सिंपल सी बात है, आप जिसे प्यार करते हो, शादी करोगे, तो एक लेवल भी तो होना चाहिए, तो यूनिवर्स आपको उसके लेवल तक लेके जाने के लिए कोशिश करे, इसलिए आपकी एनर्जी चेंज हुई है। तो ये बंदा आपके साथ अभी अटैचमेंट फील करे, आगे जाके ये बंदा कमिट भी करेगा, बट इसके आप जब भी ये बात करते हैं तो अटैचमेंट फील करो, ना कि उनके पीछे, साथी शादी के पीछे भागो, अपने डिवाइन पार्टनर से ही कनेक्ट कर रहे हो आप, ठीक है। बट आपको अभी अपने ग्रो के ऊपर ध्यान देना है, आप चाहो या ना चाहो, यूनिवर्स तो आपको करवाने वाली है,
ठीक है, तो इनकी करंट एनर्जी आपकी तरफ आना तो है, लेकिन जब जब आपने इनके ऊपर डिपेंड होके सारी चीज़ें भूल गए ना, ठीक है, समझो कि मैंने आपको अभी रीडिंग दिया कि हाँ वो आएंगे आपसे प्यार करते हैं, आपसे बात करते हैं, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अरे वो बहुत ज़्यादा दौड़ के आ जाएंगे, तो एक बात का क्लियरिटी दे दूँ आप, आज तो क्या नहीं पिछले महीने भी मेरा ही रीडिंग देखोगे आप, मुझे बोलोगे कि नहीं दीदी अभी तक मेरा रीयूनियन नहीं हुआ है, मेरे पास लिखा के रख लो नहीं होगा रीयूनियन, स्टक मत रहो कभी नहीं, मेरा क्या किसी का भी रीडिंग में देख के स्टक मत रहो, फिर देखो कैसे मैजिक होते हैं, ओके स्टक नहीं रहना है, ठीक ओके होना है, यूनिवर्स चाहेगी तो होना है, यूनिवर्स पूरे वर्ल्ड में यही रीडिंग आपके सामने आया, वाई अब्बा जो ना मिलियन है बिलियन वीडियोज़ है अंदर यूट्यूब में इंस्टाग्राम में फेसबुक में, आपको मेरा ही रीडिंग आपके सामने है, तो यूनिवर्स चाहती है कि आपको पहले से चौकन्ना करें, बट आप क्या करते हो वही चीज़ को पकड़ लेते हो, वही प्रॉब्लम्स है, ठीक है, तो बंदा आपसे प्यार करता है, आपसे बातचीत करना चाहता है, थर्ड पार्टी से निकलना भी चाहता है, ठीक है, तो ये आप अपने डिवाइन पार्टनर से ही कनेक्ट करते हो, आपसे बातचीत करना चाहता है, बहुत ज़्यादा हाई अट्रैक्शन है, गुस्सा हाई लेवल का है, आप ऐसे समझ लो गुस्सा करने के बाद भी वो उनको रिग्रेट भी होता है, लेकिन क्या करे दोनों एक ही टाइप के हो, ठीक है, बट बिल्कुल ध्यान रखना आएंगे, हो सकता है कि गुस्सा हो जाए, फाइट करे, कभी कभी साइलेंट भी बोलना, साइलेंट भी रहने में बहुत मज़ा आता है, साइलेंट लेके अभी ये बार कुछ डील करो, फिर देखो धीरे रह के हर एक चीज़ होती है, इंसान को बोलने से ज़्यादा कभी कभी साइलेंटली बात करना भी ज़रूरी होता है, बहुत अच्छा असर करती है, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चौथी बार तो असर करेगी ना, ठीक है, सो ये है इनकी एनर्जी, हाँ बिल्कुल आपको याद करते हैं मिस करते हैं, लेकिन आपकी स्टकनेस की वजह से चीज़ें रुक रही है, और यूनिवर्स आपके पास अभी करवाएगी, और रीयूनियन भी है, ठीक है, आपकी डेस्टिनी में बहुत नेम फेम एंड ग्रो है, अभी आपकी फील्ड से कनेक्टेड है और ये आपको लोग जानेंगे, आपका बिजनेस स्टार्ट करने का वक्त होगा या कुछ भी ऐसा है जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही है, ठीक है, बट वो नेम फेम की वजह से ये हो रही है, इसलिए आप पैसों की तरफ भाग रहे हो, आपकी एनर्जी इसलिए चेंज हो रही है और कुछ नहीं, और ये टाइमलेस रीडिंग है और लड़का लड़की दोनों के लिए कोई भी एज नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, आप सभी लोग देख सकते हो, ओके तो ये थी आपके लिए रीडिंग, आई होप आपको पसंद है, अरे क्लिक एंड क्लेम जरूर करना और साथ में सेकंड चैनल सब्सक्राइब कर दो, जल्दी जल्दी करो, ओके सो बाय बाय।